धर्म प्रेमी सज्जनों तथा आर्य बंधुओं, मैंने आप लोगों से कल बताया था कि सुबह 9 बजे मैं आ रहा हूं। युवा आर्य जी सबसे पहले अपने उपस्थिति दर्ज कराई है, इन्हें नमस्ते। और आज एक नई बातों को, जो मैंने कल लिख करके भी लिया था कि नई बातों की जानकारी आप लोगों को कराऊंगा, और उन नई बातों में आप लोगों को मैं ये दिखाना चाहता हूं कि इस्लाम के मानने वाले लोग किस प्रकार से हिंदुओं को वरगला रहे हैं, हिंदुओं को धोखा दे रहे हैं, हिंदुओं को धोखा में डाल रहे हैं झूठ कहकर। वो धोखा क्या है? ये कह रहे हैं कि वेद और कुरान दोनों एक है, सनातन धर्म और इस्लाम दोनों एक है। क्यों और कैसा? तो आइए, अभी दिल्ली में जो अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला, आप लोग भी गए होंगे उस मेले में, तो उस मेले में क्या हुआ, किस तरीके से ये झूठ प्रचार कर रहे हैं, झूठी बातों को लोगों को दर्शा करके लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। मैं उसका एक नमूना छोटा सा आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, और इसका जवाब भी मैं आप लोगों को सुनाता जाऊंगा। सुनिए इसको ध्यान से, ये क्या बोल रहे हैं। नमस्कार आदाब, मेरा नाम मुबारक है और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। दिल्ली NCR में रहने का ये फायदा होता है कि काफी सारे बड़े आयोजन यहाँ होते रहते हैं और हमें मौका मिल जाता है कि हम ऐसे आयोजनों में भाग ले, हिस्सा ले। ऐसा ही एक आयोजन यहाँ हर साल होता है, वो है बुक फेयर, वर्ल्ड बुक फेयर। तो इस वक्त हम प्रगति मैदान में चल रहे हैं, बुक फेयर में है, यहाँ किताबों के रसिया है, बुक फैंस है, किताबों के स्टॉल से हम घूम रहे हैं। एक दिलचस्प जगह दिखी तो हमने सोचा क्यों ना यहाँ रुका जाए। ये है जेरी, आप अगर दिखा पाएंगे तो ये है अंतर धार्मिक सौहार्द। इस टाइटल ने, इस नाम ने हमारा ध्यान खींचा क्योंकि जैसा कि समय चल रहा है, धर्मों के बीच जो खाई नजर आ रही है, जो कड़वाहट है, ऐसे वक्त में हमने सोचा कि कुछ ऐसा दिख रहा है जो मिलाप की बात कर रहा है, जो देखिए पहले मैं इसका स्पष्टीकरण दे दूं। ये धर्म का सौहार्द बता रहा, विश्व धर्म सौहार्द। ये धर्म एक ही होता है, धर्म अनेक होता नहीं है। सूर्य किरण देने में किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, सूर्य समान रूप से प्रकाश दे रहा है सबको, प्राणी मात्र को। तो धर्म जो है वो ईश्वर प्रदत्त होता है, धर्म मनुष्य मात्र के लिए होता है, और धर्म में अलग अलग होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। और ये भी बोल कौन रहे हैं? मुबारक मियां बोल रहे हैं। तो धर्म का काम क्या है? धर्म का काम है मनुष्य को मनुष्य से जोड़ना, और मजहब का काम है मनुष्य से मनुष्य को जुदा करना। उदाहरण, बुद्ध नहीं था, कोई बौद्धिस्ट नहीं था, उन्होंने बुद्ध बनाया, बौद्धिस्ट बनाया किसको? जो लोग और थे, वो कौन से मानने वाले थे, किसके मानने वाले थे, किसका अनुकरण करने वाले थे? तो उससे वहां से तोड़ करके बौद्धिस्ट बनाया गया। झगड़ा कहां हो रहा है ये देखिए। इसी प्रकार से जैन भी पहले नहीं था, महावीर स्वामी ने जैन मत चलाया, उन्होंने भी इस तरीके से तोड़ करके लाया। ठीक यही प्रमाण है कि ईसा मसीह जब नहीं आए थे कोई ईसाइत नहीं था, ईसाइयत का बोलबाला नहीं था, ईसाई कोई नहीं थे, उन्होंने दुनिया वालों को ईसाई बनाया। ये जो पहले जो लोग थे वो कौन थे, किनको बनाया जा रहा है? इस्लाम भी यही किया है। मोहम्मद नहीं था तो इस्लाम कहां था? मैं नहीं बोल रहा हूं, कुरान से पूछिए। कुरान में सूरह अनाम आयत नंबर 14 में अल्लाह ताला ने जिक्र फरमाया है, कुल इन्नी उमिरतु अन अकूना अव्वल मन अस्लमा वला तकूनन मिनल मुशरिकीन। ए मोहम्मद, तुम कह दो सबसे पहले मैं मुसलमान हूं, मैं मुशरिकों में शामिल नहीं हूं, मैं शिर्क करने वालों में से नहीं हूं। तो फिर धर्म अलग अलग होने का सवाल ही नहीं है। सर, क्या नाम है आपका? हुसैन।
सेंस आप समझाइए हमें आपको क्या सोच। ये स्टॉल का नाम है हमारा अंतर धार्मिक सौहार्द। तो हमारा प्रयास है कि सौहार्द जो है पैदा हो समाज के अंदर। तो हम पिछले हमारी संस्था का नाम है वर्क। ये हुसैन साहब है, ये अंतर धार्मिक सौहार्द बता रहे हैं। क्या इस्लाम कुरान के रहते हुए सौहार्द का होना संभव है? जहां पर वकातिलुम हत्ता ला तकुन फितनतु व यकुन अद्दीन लिल्लाह, कहा अल्लाह ने कि उस समय तक लड़ो जब तक अल्लाह का दीन दुनिया में फैल ना जावे। तो उस समय तक लड़ने की बात ये हुसैन कहां से बोल देगा कि कुरान में ये बातें हैं और ये सौहार्द बता रहे हैं? तो कुरान के रहते हुए सौहार्द का होना क्यों और कैसे संभव है? इसका फुल फॉर्म वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिलीजियंस एंड नॉलेज, रिलीजन एंड नॉलेज। तो हम पिछले तकरीबन 30 साल से हम प्रयास कर रहे हैं। हमारा मकसद है कि जो ग्रंथ है आपके वेद ईश्वरी वाणी है, जो आपकी कुरान है ईश्वरी वाणी अंतिम वाणी, आपकी प्रथम वाणी और आपकी अंतिम वाणी। देखिए पहली बात तो ये सुनिए, वेद को प्रथम वाणी और कुरान को अंतिम वाणी माना है। इन मूर्खों को जाहिलों को ये पता ही नहीं है कि जब परमात्मा का वाणी है, ये मान है कलामुल्ला है, ईश्वरीय ज्ञान है, तो ईश्वरीय ज्ञान में कौन सी बात की कमी रह गई थी जो पूरी की दूसरी में? तो अल्लाह का ज्ञान पूर्ण होगा या अधूरा होगा? अब इसको देखिए, ये मैं उन दिनों में ये अब्दुल्ला तारिक के साथ जो मेरा डिबेट हुआ था, उस डिबेट को जो ये इसमें ये चर्चा भी आएगी, इसमें कितने दूर कितने पास इसकी किताब है, इसी अब्दुल्ला तारिक के साथ इसी की लिखी हुई किताब है कितने दूर कितने पास। और इसके साथ मेरा डिबेट हुआ 8 फरवरी 2008 को बुलंदशहर ख्वाजपुर नया गांव आर्य समाज में। और इसने बोला कि वेद प्रथम ज्ञान है और कुरान अंतिम ज्ञान है। तो मैंने बोला कि जब वेद को आप ईश्वरीय ज्ञान मानते हैं और प्रथम ज्ञान है, तो अल्लाह का ज्ञान ईश्वर का ज्ञान पूर्ण है या अपूर्ण? तो उसने खुद बोला ईश्वर का ज्ञान पूर्ण है। तो जब परमात्मा का ज्ञान पूर्ण है तो फिर उसमें बदलने का क्या मतलब? जब ईश्वरीय ज्ञान पूर्ण है तो ईश्वरीय पूर्ण ज्ञान में उसमें परिवर्तन क्यों और कैसे संभव नहीं? गलत बोल रहा है ये। वो उसमें हमने यहाँ दर्शाने का प्रयास किया है और इस बुक फेयर में पिछले 8 साल से हम ये प्रयास कर रहे हैं और बड़ा अच्छा फीडबैक आ रहा है। हमारे जो है हिंदू भाई जो है इसको बड़े पसंद कर रहे हैं, मुस्लिम भाई भी पसंद कर रहे हैं। हम उनसे बोल रहे हैं कि आप वैदिक और लौटे, मुस्लिम भाई से कह रहे हैं कि आप कुरान की ओर लौटे और जो समान। देखिए वेदों के ओर लौटे और कुरान की ओर लौटे, तो वेदों की ओर लौटे अगर है तो फिर कुरान की क्या आवश्यकता पड़ी? क्या वेदों में वो ज्ञान नहीं है जो कुरान में दिया गया है? क्या वेदों में वो बातें नहीं है जो कुरान में बताई गई है? तो कुरान की ओर लौटने का क्या मतलब जब वेद परिपूर्ण है? अमूमन डिफरेंसेस की बात होती है कि आपके चाल चलन में डिफरेंस है, आपके रहन सहन में डिफरेंस है, आपके खान पान में डिफरेंस है, जो भी जो ऐसी अलग अलग चीजें हैं दो धर्मों में उस पे बात होती है। आप ये कर रहे हैं कि आप उसमें जो सिमिलर चीजें हैं, जो समानता है, उन पे फोकस कर रहे हैं। कुछ बता पाएंगे आप? ये असल में जब आप पढ़ेंगे ऋग्वेद इसके बिल्कुल लास्ट में, यहाँ आप देख भी सकते हैं हमने यहाँ लगाया है, आइए समानम मंत्र मदी मंत्राय वाह। अच्छा, ये ऋग्वेद का है, आपका रेफरेंस भी है। अच्छा। तो इसमें इसका क्या अर्थ है कि मैं तुम सबको समान मंत्र से अभिमंत्रित करता हूँ। कुरान जो अंतिम वाणी है उसमें आया कुल या अहलल किताबी तालो इला कलिमते। अच्छा, वेद में हो समान विचार सबके, चित्त मन सब एक हो, ज्ञान देता हूं बराबर भोग पा सब नेक हो। तो वहां हो समान विचार सबकी बात है। और यह कुरान में क्या, यह हलल किताब, यह हलल किताब किन के लिए कहा गया है? वो कुरान से पहले जो और किताब थी उन किताबों के लिए कहा गया है। इसमें आएगा, इसमें खुद ये बोलेगा कुरान से ही, लेकिन वो उसका अर्थ नहीं बोलेगा, वो वेद के साथ उसको जोड़ेगा, जबकि वेद के साथ उसका कोई कोसों कोसों दूर तक कोई संपर्क और संबंध नहीं है।
ये किस तरीके से गलत बयानी कर रहे हैं वो देखिए। इसमें आप देख सकते हैं कि पूर्व ग्रंथ वालों से कि आओ उस बात की तरफ जो हम में और तुम में समान है। अब पूर्व ग्रंथ यहाँ पर केवल मूसा को जो तौरात दी गई है उस तौरात की बात की गई है, वहां वेद नहीं है। वेद का वातक नहीं जानता है अल्लाह। जो पहले किताब इनको बताया गया है, जो पहले किताब दी गई वो मूसा को दी गई, उस किताब को मानने वाले को अहलल किताब बताया। समानता आई है, इसलिए यहाँ से हमने स्टार्ट करा जी कि जो समानता है उसमें हम प्रयास करें। और बड़ा ही हैरत अंगेज इसका रिजल्ट आ रहे हैं पिछले 8 साल आगे कुछ बताइए इसमें। तो मैं अपने भाई से कहता हूँ हमारे। अच्छा अच्छा, आपका क्या नाम है? मोहसिन निषाद। मोहसिन निषाद इस तरफ है जी, क्या मेरा जी। सब सब कुरान के मानने वाले हैं, वेद का ज्ञान देने आए। एक्चुअली क्या है कि यहाँ की जो हमारी हिंदू कौम है, एक्चुअली ये इनका जो मूल धर्म था वो सनातन धर्म है। ठीक है, उस तरफ जरा सक कीजिए। धर्म का नाम, जो लोग अपना धर्म हिंदू बताते हैं उनके धर्म का वास्तविक नाम सनातन धर्म है, जिसका अर्थ है ऐसा धर्म जो हमेशा से आकाश से सीधा उतरा हुआ और जो आज भी मौजूद है। देखिए, ये हमारे वैदिक संस्कृति में हालांकि सनातन तो है, सनातन के माने होता है एक नूतन दूसरा पुरातन, और जो ना नूतन ना पुरातन वो सनातन है। तो सनातन धर्म नहीं है, धर्म का नाम है सत्य सनातन वैदिक, तब है। अब ये आसमान से उतरा बताया, आसमान से उतरने की बात कहीं भी नहीं आई, जैसा कुरान है। कुरान को तो आसमान से उतारा अल्लाह ने, लेकिन ऐसे आसमान से उतरा ये कहीं नहीं आया। जिसको कहते हैं शाश्वत धर्म, अर्थात ऐसा धर्म जो सनातन तो है और आगे भी रहेगा, यानी सदा रहेगा। ईश्वर एक है, उसने समस्त मानवता को एक ही धर्म दिया है। अगर वो एक है तो उसने समस्त मानवता को एक ही धर्म दिया होगा, वही सनातन धर्म है, वही शाश्वत धर्म है। और कुरान ने उसको कहा वज़ालिका दीनुल क़य्यिम, और यही दीन जो है हमेशा से एक ही चला आ रहा है जो कि सनातन है, जो यहाँ लिखा हुआ है। अब ये वज़ालिका दीनुल क़य्यिम बताया है, कुरान में आया है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ इन अकल के दुश्मनों से, मोहम्मद से पहले कुरान कहाँ था? मोहम्मद से पहले कुरान कहाँ था? कोई माई कलाल बोले, मैं खुली चुनौती दे रहा हूँ इन इस्लाम वालों को कि मोहम्मद से पहले भी कुरान था किसी के पास, वो ले आए सामने प्रस्तुत करे, फिर वज़ालिका दीनुल क़य्यिम कहां से हो जाएगा? लेकिन मोहम्मद से पहले दुनिया थी या नहीं थी? दुनिया के लोग थे या नहीं थे? वो कौन से धर्म के मानने वाले थे अगर कुरान वज़ालिका दीनुल क़य्यिम बताया तो? इसलिए ये सब झूठ का पुलिंदा हिंदुओं को भड़काने के लिए, बहकाने के लिए किया जा रहा है। क़य्यिम के एग्जैक्ट अगर हम हिंदी बनाएं तो वो सनातन धर्म निकलता है, दोनों का अर्थ एक ही है। ये आप ये कह रहे हैं आगे कुछ नाम है एक दिशा विपरीत जी, जी 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 इस तरफ आइए, देखिए इस वाले पोस्टर को देखें सर। वेद और कुरान एक दूसरे की पुष्टि करते हैं। कुरान की एक आयत है सूरह शुरा की 26:196 जी, इसमें वज़ाले का दीन वो वइन्नहु लफी ज़ुबुरुल अव्वलीन। ये देखिए वइन्नहु लफी ज़ुबुरुल अव्वलीन, वइन्नहु लफी ज़ुबुरुल अव्वलीन। ज़ुबुर यहाँ किताब का नाम है जो मूसा के ऊपर नाज़िल, दाऊद के ऊपर नाज़िल हुई, दाऊद ज़बूरा कुरान कह रहा है। तो वो उससे पहले कोई किताब थी क्या? जब उससे पहले किताब थी जो वेद आदि सृष्टि से है, उस वेद का नाम कहाँ आया कुरान में? उस वेद की चर्चा कुरान में कहाँ की गई है? उस वेद के लिए तो बताया नहीं, वो तौरात के लिए बताया जा रहा है। तौरात के मानने वाले अहलुल किताब, अहलुल किताब बताया गया उनको, और ये ज़बूर की बात कही जा रही है। तो उससे पहले कौन किताब थी? उससे पहले दुनिया में लोग थे या नहीं थे? वो किस किताब के मानने वाले थे? वेद का वा नहीं जानते हैं और वेद के साथ कुरान का तुलना करने लगे हैं। इसमें हम बता रहे हैं अब्दुल्ला तारिक को, मैं इसी में जो फंसा रखा हमने आदि ग्रंथ में दे रखी है। आदि ग्रंथ वेद है, हमारे भारत की ही एक कौम ऐसी है जो ये कहती है कि हमारे पास आदि ग्रंथ है और वो वेदों के शक्ल में है, और वही आदि ग्रंथ चला आ रहा है, वही कुरान है। भाषाओं का देखिए, अब आदि ग्रंथ चला आ रहा है वही कुरान है, तो आदि ग्रंथ में कौन सी कमी थी जो कुरान को लाया गया है? आदि ग्रंथ में कौन सी कमी थी जो कुरान को लाया गया, यही तो मैं अब्दुल्ला तारिक से पूछा। अब्दुल्ला तारिक जो कितनी दूर और कितना पास लिखा है ना पुस्तक, ये आएगा इसके भी, इसमें भी ये भी बोलेगा, वो पुस्तक भी वहाँ स्टॉल में दिखा रहा है, वो इसके लेखक है ये अब्दुल्ला तारिक। इसकी बोलती बने को 2.5-3 घंटे का वो डिबेट है,
बोलती बंद हो गई, वो उनके पास बोलने के लिए कोई शब्द नहीं था, तिलमिला उठे वो। अब देखिए किस तरीके से ये झूठ का पुलिंदा बना करके दे रहे हैं, ये देखिए। सपोज यहाँ का कोई रामचंद्र जी या स्वामी दयानंद जी अरब देश में जाते हैं सनातन धर्म को समझाने के लिए, तो किस भाषा में समझाएंगे? अरबी भाषा में? अगर वहां जाने के बाद पढ़ना शुरू कर दें ओम जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट पल में दूर करे, उन लोगों की समझ में नहीं आएगा, वो कहेंगे लात उजरी हमारी समझ में नहीं आएगा अरब जगत। अच्छा अब देखिए ये बोले के अगर स्वामी जी वहां अरब में समझाने के लिए जाए तो वहां वो लोग नहीं समझेंगे, ओम जय जगदीश हरे बोल रहा है, ओम जय जगदीश हरे जबकि वेद नहीं है, ये लोगों के बनाए हुए गीत हैं, इसको ये अकल ही नहीं है, क्योंकि मनुष्य मात्र का भाषा एक है संस्कृत, वो जो पैदा होते ही स्वर बोलता है, वो हालांकि प्रकरण बदल जाएगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ इसको अकल ही नहीं है। अब ये कह रहा है कि वहां अरबी भाषा है, तो अरबी भाषा है तो अरबी भाषा, तुम भारतीय मरने के बाद कब्र में तुम्हारी अरबी भाषा कैसे हो जाती है? जब वो मरने के बाद भी तुम अरबी बोल रहे हो वहां पर, तो वो भारतीय भाषा तुम्हारे पास कहां चलेगी? जो ओम जय जगदीश हरे अगर ये भारतीय भाषा है और तुम भारत के रहने वाले हो ये बता रहे हो, भारतीय हो ये बता रहे हो, भारतीय होने का दावा कर रहे हो, मैं तो दावा के साथ कह रहा हूं कोई भी मुसलमान नहीं बता सकता कि वो भारतीय है। ये जो बोल रहे हैं ये असदुद्दीन ओवैसी हो या जितने भी ये जो कोई भी, ये सब ढोंग और पाखंड मचा रहे हैं, पाखंड फैला रहे हैं, ये भारतीय न थे न है न होने का कोई सवाल ही पैदा होता है। ये मरने के बाद भी अरबी में ही बोलते हैं, तो मरने के बाद भी जब तुम अरबी में बोल रहे हो तो फिर भारत भारत क्या चल रहा हो? भारतीय भाषा अरबी है, और भारत में मरोगे तो दफनाया तो जाएगा भारत में, तो भारत में तुम तो जीते जी जो उधम मचा रहे हो तो मचा रहे हो, मरने के बाद भी हमारा जगह घेर करके जा रहे हो, तो वहां कब्र में भी तुमसे अरबी में सवाल जवाब क्यों किया जाएगा, हिंदी में क्यों नहीं? और ये मरने के बाद भी अरब का ख्वाब देखते हैं, अरबी का ख्वाब देखते हैं, अरबी में बोलते हैं, तो फिर ये भारतीय भारतीय क्या चिल्ला रहे, क्यों चिल्ला रहे? सनातन धर्म को पहचानवाने के लिए अरबी भाषा का प्रयोग करना जरूरी। देखिए सनातन धर्म को पहचानने के लिए अरबी भाषा का प्रयोग किया जाता है। ये धर्म धर्म एक है सदा से, अंत तक वही धर्म रहेगा, और उसमें एक परमेश्वर की भक्ति का आह्वान किया गया है, वो एक है। आगे मंत्र में पढ़ते हैं ब्रह्म सूत्र है, देखिए कि ब्रह्म एक है, दूसरा नहीं है, नहीं है नाम मात्र भी नहीं, एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ति नहना नास्ति किंचन। इसको अरबी में कहा गया है, वो कुरान का सार है, ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई माबूद, नहीं है कोई पूजनीय, नहीं। अब देखिए कुरान कहा है ये एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ति, जबकि एक नहीं है, वेद में अनेक मंत्र है, एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ति ये वेद का नहीं है, तो फिर भी हम इसको जोड़ते हैं, अगर एको देवा सर्वभूतेषु गुणः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा न द्वितीयो न तृतीयो चतुर्थ न पियुच्यते न पंचमाना षष्ठः सप्तमः पियुच्यते, एक दो में नहीं, ऐसे अनेक मंत्र है वेद में, परमात्मा एक है, वह अल्लाह शरीक है, उसकी कोई साजी नहीं, कोई सरोकार नहीं, लेकिन ये अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह बोला, लेकिन मैं चुनौती दे रहा हूँ, खुली चुनौती दे रहा हूँ, ये अब्दुल्ला तारिक हो और अब्दुल्ला तारिक के बाप हो, ये ला इलाहा इल्लल्लाह तक ही इनका कलमा पूरा है या मोहम्मद रसूलुल्लाह उसमें जोड़ना पड़ेगा तब पूरा होगा? मोहम्मद को हटा करके देखा है ना कौन पैदा हुआ है इस्लाम का नाम लेने वाला, वहां पर जब तक मोहम्मद को जोड़ा नहीं जाएगा तो इस्लाम पूरा नहीं होगा, लेकिन वेद में ये कहां है ईश्वर के नाम के साथ किसी और का नाम जुड़ा हुआ है? तो फिर दोनों का एक होना, दोनों का एक बताना, सनातन और इस्लाम एक होना, ये क्यों और कैसे संभव होगा? वेद और कुरान एक होना ये क्यों और कैसे संभव होगा? ये केवल हिंदुओं को वरगलाया जा रहा है, और हिंदू तो बिना पेली का लोटा, इनको तो अकल नाम की कोई चीज नहीं है, ये जो कुछ बोले उसी के साथ ही ये चल देते हैं, इसको होश है ही नहीं, ये वेद को जानते नहीं है, तो वेद को ना जानने का ये सारा नतीजा हुआ है, और ये इसी को ही वरगला रहे हैं। ये हिंदू इसमें बोला ना कि हिंदू भी खुश है, ये कोई ईश्वर अल्लाह सिवाय एक साकार उपासना का निषेध, ये आ गया। जी 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 सर, आपका साकार उपासना उसको कहते हैं कि जो किसी हम आकार की उपासना करते हैं, चाहे वो मूर्ति हो चाहे कोई किसी की तरह से आइडियल वर्शिप, उसकी उपासना को साकार उपासना कहा जाता है। उसके लिए ईश्वर ने चेताया है वेदों में, यजुर्वेद के 40वें अध्याय के 9वें मंत्र में चेतावनी दी गई कि जो ऐसा करेगा अंधन तमा प्रविशंति असंभूति उपासते ततो भूयते तमो यो संभूति अमृता, घोर अंधकार में तमस में नरक में डाल दिए जाएंगे ऐसे मानव,
जो उस परमेश्वर को छोड़ के असंभूति की उपासनाएं करते हैं। असंभूति उसे कहते हैं जो कि जैसे धरती, आकाश, जल, पदार्थ, वायु, सूरज, जिसको मनुष्य रचना रचित नहीं कर सकता, और उससे असंभूति उसको कहते हैं जैसे हमने कोई मिट्टी का मूर्ति बना लिया, कोई आकार बना लिया। इसका वेद बार बार चेतावनी देते हैं कि ऐसे लोग तथैव यातना भोग्य, सदैव नरक में जाएंगे। तो वेद में गया? वेद में तो मूर्ति पूजा नहीं है, वेद में सर्वथा सर्वथा मूर्ति पूजा निषेध है, ये तो 100% है। लेकिन इस्लाम में मूर्ति पूजा निषेध कहाँ है भाई? ये मूर्ति पूजते हैं तुम, कब्र पूजते हो। अगर कोई कहे कि नहीं हम देवबंदी ख्यालात के हैं, हम बरेलवी ख्यालात के नहीं हैं, हम कब्र नहीं पूछते हैं, तो कब्र नहीं पूछते हैं। ये देवबंदी वाले जब हज को जाते हैं वहां पर तवाफ लगाया जाता कि नहीं, चक्कर लगाया जाता कि नहीं, सफा और मरवा पहाड़ों के बीच में दौड़ लगाया जाता कि नहीं, आबे जमजम को उठा करके पिया जाता है कि नहीं पानी, और वहां कुर्बानी किया जाता है कि नहीं, कि ये सब नियम वेद में कहाँ है? और ये मूर्ति पूजा के सिवा और क्या है? ये मूर्ति पूजा अगर ये करते हैं हिंदू, जो वेद में सर्वथा निषेध बताया है, वेद का ही हवाला ये दे रही है, यजुर्वेद का ही मंत्र है। और अब्दुल्ला ये इसमें जाकिर नाइक के साथ जब मेरी बात हुई थी ना, जाकिर नाइक का जो पीए उस समय उसे बात हुई था, जयेश पटेल, वो भी यही मंत्र को उठाया था। तो उसमें आप देखेंगे उस समय तो हालांकि मैं यूट्यूब में इस पेज में जहां हूं मैं वहां उस समय नहीं था, मैं के 2012 से काम कर रहा हूं, तो उस पर मेरा वीडियो बना हुआ है, पुराना वीडियो लगा हुआ है। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि वही तो अनुकरण व्यक्ति पूजा ही तो है। व्यक्ति पूजा इस्लाम में है, यहां मूर्ति पूजा है और वहां व्यक्ति पूजा है। पौराणिक जगत के लोग मूर्ति पूजते हैं और इस्लाम व्यक्ति पूजता है, इसीलिए अल्लाह के नाम के साथ जुड़ा हुआ है मोहम्मद का नाम। मोहम्मद का नाम हटा करके दिखाए, मोहम्मद का नाम हटना संभव नहीं है इस्लाम से। इसके बावजूद भी ये कहना कि हमारे यहाँ पर मूर्ति पूजा नहीं है, इससे बड़ी मूर्ति और क्या होगी? मंत्र है नतस्य, वो वाला मंत्र का है नतस्य प्रतिमास्ति, ये लगती है यजुर्वेद के 32वें अध्याय तीसरा मंत्र है वेदों का। वेद ने कहा नतस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महेश, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं है जिसका नाम जिक्र ही सबसे महान यश है। कुरान ने भी ये कहा कि उस ईश्वर जैसी कोई चीज नहीं है, लैसा का विश्लेषण कुरान की 42वीं सूरा का। देखिए ये कह रहे हैं कि लैसा कमिस्ली शैन, कि उसके बराबर कोई नहीं, उसके बराबर कोई नहीं, तो ठीक है। और वेद में भी यही आया है कि परमात्मा एक है, अद्वितीय है, उसके कोई साझी नहीं, कोई शरीक नहीं। लेकिन जो परमात्मा के नाम के साथ, यहाँ किसी का नाम तो जुड़ा नहीं है, लेकिन वहां अल्लाह के नाम के साथ नबियों का नाम जुड़ा हुआ है, रसूलों का नाम जुड़ा हुआ है, कहीं ईसा रूहुल्ला, मूसा कलीमुल्ला, इब्राहिम खलीलुल्ला, मोहम्मद रसूलुल्ला, ये क्या है? ये शुरू से लेकर के अंत तक यही अल्लाह के नाम के साथ जुड़ा हुआ है। इसके बावजूद भी ये कह रहे हैं कि एक ईश्वरवाद है इस्लाम में। एक ईश्वरवाद इस्लाम में कहा? इस्लाम में व्यक्ति पूजा के सिवा कोई और रास्ता नहीं है, व्यक्ति पूजा है। और रही बात ये कह रहे हैं कि वेद में मूर्ति पूजा नहीं है, वेद में आकार नहीं है परमात्मा का, बिल्कुल निराकार है। लेकिन कुरान में अल्लाह निराकार कहाँ है? जो अल्लाह इब्राहिम के पीठ में हाथ रख करके दुआ दे रहे हैं, जो अल्लाह इब्राहिम को सलामुन आला इब्राहिम, अल्लाह सलाम कर रहे हैं, अल्लाह सातवां आसमान पर हैं, कुर्सी में बैठते हैं, वलकल खलकना समावात वल अर्द फी सित्तत अय्यामिन सुम्मा इस्तवा अलल अर्श युदब्बिरुल अम्र फसलाया। अल्लाह ताला 6 दिन में जमीन और आसमान को बनाया, 7वां दिन अर्श करार पकड़ा, अर्श पर जा बैठा। तो अर्श पर बैठेगा कौन? साकार या निराकार? फिर अल्लाह का लामुजस्सिम होना क्यों और कैसे संभव होगा? निराकार होना क्यों कैसे संभव होगा? वेद में तो सर्वथा निराकार है वो, न तस्य प्रतिमा अस्ति, बिल्कुल परमात्मा का वो अचुक्रम अकायम शब्द आया वेद के अंदर में, उसकी कोई प्रतिमा नहीं, कोई प्रतिच्छवि नहीं, कोई प्रतिमूर्ति नहीं, उसकी कोई काया नहीं, उसकी कोई मूर्ति नहीं। लेकिन अल्लाह तो स्वयं शकल वाला है,
जो सातवां आसमान पर बैठता है। अल्लाह ताला जब सातवां आसमान से नीचे उतरेंगे उस सिंहासन को आठ फरिश्ते रोके होंगे, तो सिंहासन पर बैठने वाला शरीरधारी होगा या निराकार होगा? अल्लाह निराकार कहाँ है? आओ ना, मैं तो खुली चुनौती दे रहा हूँ इस्लाम वालों को। तो ये जो वरगला रहे हैं किस तरीके से वरगला रहे हैं ये देखिए। बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि जो भारत के दो प्रमुख धर्म हैं और उनके जो दो प्रमुख ग्रंथ हैं वो एक जैसी बातें करते हैं, इंटरप्रिटेशन हम ठीक नहीं कर पा रहे हैं, या हम जोर डिफरेंसेस पे ज्यादा देते हैं समानताओं पे नहीं? ठीक है, और आपने कुछ किताबें वगैरह छापी? जी हमारे पास एक शांति पैगाम है, कितने दूर कितने पास है, कुछ देखिए वो कितने दूर कितने पास बोला ना, इसे कितने दूर कितने पास का ही लेखा कहिए। ये अब्दुल्ला तारिक जिसके साथ मेरा डिबेट हुआ, कितने दूर कितने पास इसी ने लिखी है, ये देख रहे हैं इसके साथ मेरा डिबेट है, वही डिबेट वाला वीडियो यहाँ पर मैं लिखा रहा हूं। तो यहां पर सर्वथा वेद के साथ जो जोड़ा गया है, वेद और कुरान ना एक था ना एक है। दिखा सकते हैं, ये ठीक है। अब देखिए कैसा नहीं है कि इसके आगाज को देखिए, कुरान की मान्यता है एक आदमी एक इंसान बनाया अल्लाह ने, और उस इंसान से उसकी हड्डी से उसकी पत्नी को बनाया, ये वेद में नहीं है। जब बुनियाद ही गलत हो, भित ही गलत हो, फाउंडेशन ही गलत हो, तो बिल्डिंग कहां बनाओगे भाई, कैसे बनाओगे? तुम्हारी मान्यता तो यह है एक स्त्री और एक पुरुष से दुनिया बनाए। मुशफिक सुल्तान को जो मैं लिखा ना, बेचारे ने जवाब देकर फंसा इस्लाम को, उसने लिखा था कि अनेक असंख्य जीव बनाए, जो ऋषि दयानंद ने बोला वो असंख्य कैसे बने, और जैसे एक बने वैसे असंख्य बने, जो एक बना सकता है वो असंख्य नहीं बना सकता है, ये जाहिल है, केवल नहीं पूरी जहालत है। हमारी एक शांति पैगाम पुस्तक, इसमें वेदों के मंत्र और कुरान की आयात है जिसके मीनिंग समान है, जैसे मैं यहाँ बताऊँ आपको। ये कितने दूर कितने पास ये पुस्तक में ही दिखा रहा हूँ। नतस्य कृतिमा अस्ति, ये जो वेद के 32वें अध्याय का तीसरा मंत्र, अनुवाद, उस परमेश्वर की कोई प्रतिमा नहीं है, लैसा का मिसले शैन, कोई वस्तु उसके समान नहीं है। यहाँ काफी दिलचस्प चीजें, जैसे ये वेद का लिखा हुआ है जी, मनुष्य सत्य के मार्ग पर विनम्रता पूर्वक चले। कुरान भी इसी को कह रहे हैं, अल्लाह ऐसो को मित्र नहीं रखता जो घमंडी और अहंकारी। बेसिकली आपकी ये किताब भी वही है जी, जो समानताएं बता रही है। बिल्कुल ठीक, ये क्या किताब है, कितने दूर कितने पास? ये इसमें वेद और कुरान में जो भी समानताएं हैं वो उसको दर्शाती है। ये इस्लाम का स्वरूप जी, ये जिहाद के बारे में है कि जिहाद का अर्थ ये नहीं है कि लड़ो मरो, बल्कि जिहाद का मतलब संघर्ष करना अपने जीवन में। ये बिल्कुल बकवास है, जिहाद का मतलब संघर्ष करो ये नहीं है, जिहाद का मतलब लड़ाई करो। इसके ऊपर वो इसी अब्दुल्ला तारी का एक डिबेट है, जिहाद नहीं है, उसके जवाब में बना करके दूंगा और कुरान से ही सारा हवाला दूंगा, कुरान से ही सारा प्रमाण दूंगा कि अल्लाह ताला ने किस पर जिहाद करने के लिए बोला है। जिहाद फर्ज है, साफ साफ कहा एक जगह कि अन्नहु मन कतला नफ्सन बगैरी नफ्सिन व फसादिन फिल अर्ज फकअन्ना मासा जमीया, किसी अगर एक मानव की अकारण हत्या हुई तो ऐसा है जैसे समस्त मानवता की हत्या कर दी। ये सूरह मायदा आयत नंबर 32 को बोला, लेकिन 33 में क्या है इसको बोल करके दिखाए। सूरह मायदा आयत नंबर 32 में बोला एक का कत्ल करना मानवता की कत्ल करना है, और वहां हजारों आयत इस तरीके से है कि जहां पर गैर मुस्लिमों को मारो काटो लूटो पीटो की बात है। इस पर मेरा बहुत सारा वीडियो लगा हुआ है, देखिए ये परस्पर विरोधी बातें हैं कुरान। तो ऐसा है जो समस्त मानवता का जीवन बचाए, तो कुरान ये कहता है कि किसी एक की नाहक हत्या करने का पाप यह है कि समस्त मानवता की हत्या कर दे। कुरान इसको नहीं कहता, जिहाद को जो डिफाइन किया गया है इस पुस्तक में यही कहा गया है कि अपने जीवन में संघर्ष करो ईश्वर के प्रति। कुरान ने कहा वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, तुम ईश्वर के मार्ग में कोशिश करो, तुम्हारे लिए रास्ते खुलते चले जाएंगे शांति के लिए, शांति के रास्ते लोगों में। ये स्कूल वगैरह से आए हैं
बात कर सकते हैं दोस्तों आपसे? क्या नाम है आपका? खुशी। खुशी आपका? प्रियांशी। अंजलि। शाइना। प्रीति। ठीक है, कहाँ से आए आप लोग? कालिंदी कॉलेज से। कैसे ऐसे रैंडमली घूम रहे थे यहाँ आ गए या किसी ने बोला था यहाँ? नहीं, बुक लेने आए हम अपने टीचर्स ने बोला था। बुक लेने आए? हाँ जी। तो क्या आपको लग रहा है ये वाला पर्टिकुलर स्टॉल अभी आपको मैं बता रही हूँ, क्या समझ में आ रहा था कि क्या चीज है, किस चीज की बात है? इस्लाम के धर्म के बारे में। और वो ये बताना चाह रही है जो इस्लाम धर्म वो अलग अलग धर्म में सब एक है, मतलब भगवान सब एक है। आप देखिए, ये हिंदू घराने के लड़कियों को किस तरीके से टारगेट बनाया जा रहा है। देखिएगा, ये कॉलेज में पढ़ाने वाले, उस पढ़ाने वाले जो कालिंदी कॉलेज में पढ़ती है ये सब बच्चियां, और वहां के प्रोफेसर ने ही इनको बोला है ये इस्लाम के बारे में, वो ये सब किताब लेने के लिए आई है। तो हिंदू घराने के लड़कियों को किस तरीके से वरगलाया जा रहा है, लेकिन उनको वरगलाने वालों को मैं दोष नहीं देता। हिंदू घराने के माँ बाप ही दोषी हैं जो अपने लड़कियों को गाय जैसा छुट्टा छोड़ दिया है, घूमे बस बिना रस्सी वाली। तो इस तरीके से हिंदू बर्बाद हो रहा है, और हिंदू की अपनी बर्बादी हिंदू समझ नहीं रहे। और ये हिंदू घराने के लड़कियां जब मुसलमान में जाएंगी, उसके कोख से जो बच्चा पैदा होंगे ना, वो तुम्हारे शत्रु बनेंगे, तुम्हारे देश के शत्रु बनेंगे। ये हिंदुओं की जहालत है, हिंदू जाहिल कौम है एकदम। हिंदू इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं है। और ये लड़कियां वहां गई हैं पुस्तक लेने के लिए उनके प्रोफेसर के बोलने पर। ऑनर्स के स्टूडेंट है, तो आप भारत का भविष्य है कल का, तो आप इन बातों पर ये अकीदा रखते हैं कि भाई धार्मिक पहचान अपनी जगह है, बट सबको साथ लेके चलना है, और जहाँ भी मेल मिलाप की बातें हो रही हो वो अच्छी बात है। अच्छा लगा कि आप इतने यंग चेहरे स्टॉल पे मौजूद थे। हम सिर्फ स्टॉल ओनर से बात नहीं कर रहे हैं, हम पाठकों से भी बात कर पा रहे हैं, उनसे बात कर पा रहे हैं जो इसमें रुचि रखते हैं। तो आप ये थॉट अपने दोस्तों तक भी ले जाएंगे कि भाई सब लोग एक जैसे? हाँ डेफिनेटली, अगर जाएंगे दोस्त कोई पूछेगा कि क्या था क्या देखा, तो हम बताएंगे, नेक्स्ट प्लेन करेंगे, हमने ये जाना ऐसा हुआ ये था। बात बताओ, क्या नाम बताया था? प्रियांशी। प्रियांशी, जब अगर मम्मी पापा कहीं कहने लगे या बड़ा भाई कहने लगे कि यार ये मुसलमान तो ना बहुत कट्टर होते हैं, क्या कहो? में बोलेंगे कि जो भी है वो उनका, उनको शुरू जैसे हमें शुरू से बताया है कि हमारे भगवान जी ऐसे हैं, हमारे गॉड ऐसे हैं, तो ऐसे उनको भी, उनकी फैमिली वालों ने भी बताया हैगा कि मतलब मुस्लिम्स को कि उनका रिलीजन ऐसा है, उनका धर्म ऐसा है, तो उनको बोलेंगे कि इतना नहीं करना चाहिए, जो है ठीक है, वक्त के साथ बदलना चाहिए, सीखना चाहिए, सब एक ही है। हाँ जी, आप क्या करोगे अगर घर से किसी ने आपको बोला, क्या नाम था? शाइना। शाइना, अगर आपको बोलते कि भाई ये क्रिश्चियन जो है ना ये बड़े पागल टाइप होते हैं, धर्म परिवर्तन करते हैं, कुछ नहीं आता, दारू वारू पीते हैं बहुत, क्या आपको उस पर टिक रहे हैं? हाँ, तो मैं तो पहले उन्हें समझाऊंगी कि नहीं ऐसी बात नहीं है, ये सब आप सिर्फ सुन रहे हैं, ऐसा बाकी रियल में ऐसा कुछ नहीं है। जो क्रिश्चियन वगैरह वहाँ मतलब उन लोगों ने अपने आप को बना लिया है, सब उन लोगों ने खुद ऐसा बना लिया कि वाइन पीना ये सब पीना, आई थिंक बाइबल में ऐसा कुछ नहीं है वाइन वगैरह के बारे में, बाइबल का किसी कुरान किसी वेद में भी ऐसा कुछ नहीं है कि ड्रिंक करना कोई नशा करना सब नहीं है, ये ऐसा कुछ उन लोगों ने खुद ऐसा बना लिया है। तो मैं उन्हें समझाऊंगी ऐसा, जितना मेरे को नॉलेज होगी मैं घर वालों को बताऊंगी, उन्हें सिखाऊंगी। तो बेसिकली ये सारे दोस्त हमारे ये कह रहे हैं कि धार्मिक सद्भावना का माहौल वो आगे कायम रखेंगे अपने दोस्तों के साथ भी। स्टॉल हमें अच्छा लगा, लोग हमें अच्छे लगे, बताने वाले हमें अच्छे लगे। हम भी आपसे यही कहना चाहते हैं, इस किताब के टाइटल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि और हम मर गए, इस किताब का टाइटल है। मुझे नहीं पता इसके अंदर क्या कंटेंट है, एक दिलचस्प किताब है यहाँ पे, नमाज सर्वधर्म उपासना, इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए प्लीज। ये देखिए कि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि नमाज जो है वो अरबी का वर्ड है, लफ्ज है, शब्द है, पर ये अरबी का लफ्ज नहीं है, क्योंकि अरबी में अगर जैसे अजान आपने सुनी होगी तो उसमें सलाह बोलते हैं नमाज को, हय्या अला सलाह, हय्या अला सलाह, है ना। तो जितना भी हमारा अरब है या अमेरिका है या यूरोप है वहां पे सलाह वर्ड बोला जाता है। नमाज के लिटरल मीनिंग बेसिकली हमें संस्कृत में मिलते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि फारसी में, पर फारसी में भी नहीं है, क्योंकि फारसी में नमाने गीला होता है, इसका रूट वर्ड फारसी में नहीं है, इसका रूट वर्ड जो है धातु जो है वो हमें मिलती है संस्कृत में। आप इसका नमाज का संधि विच्छेद कीजिए तो नमाज जो है नमा प्लस अजा, नमा माने झुकना, अजा अजन्मा माने अजन्मे को, यानी जिसको किसी ने जन्म दिया है ना उसने सबको जन्म दिया, जिसको किसी ने जन्म नहीं दिया उसने सबको दिया, तो यानी वो ईश्वर है, जिसको किसी ने पैदा नहीं किया वो स्वयं हमेशा से और हमेशा रहेगा।
तो यानी उसके आगे नमन करना, अजन्मे के आगे नमन करना, नमा अजा यानी नमा उसके आगे झुकना, उसके आगे नमन करना जो अजन्मा है, तो उससे बना नमाज, नमाज से बना नमाज। तो ये बेसिकली संस्कृत का लफ्ज है और ये शुरू से यहाँ पे होता चला आ रहा था। इसी वजह से जो हम कहते हैं कि हमारा जो अखंड भारत है, तो जितना भी जो जो हमारे अखंड भारत के हिस्से हैं, चाहे वो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश या तो अभी के हैं, उससे पहले अफगानिस्तान, कंबोडिया, मलेशिया, कोरिया, वहां सब पे ये वर्ड नमाज यूज होता है। तो जहां जहां नमाज वर्ड बोला जाता है वो सारे भारत के हिस्से थे, अखंड भारत था। ये बहुत ही नमाज हमें जोड़ती है कि ये अखंड भारत वहां वहां था जहां पर नमाज बोला जाता है, बाकी सब जगह सलाह बोला जाता है अरबी का लफ्ज है। तो ये नमाज से पता चलता है कि ये संस्कृत का वर्ड है और ये सब जो जहां जहां नमाज बोला जाता है जितने सारे कंट्रीज है वो सारे अखंड भारत है। और इस अखंड भारत को हमारा मकसद दोबारा लेकर आना है और ये प्रेम से आएगा, उससे आएगा। आरएसएस तुम से तो नहीं आ? नहीं, मजाक ले जाएंगे वो आप लोग अगर ऐसी बात कर रहे। चलिए ठीक है। देखिए इसने एक बात तो सही बताया है, नमाज ये संस्कृत शब्द है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन उस नमाज में है ही क्या वो तो नहीं बताया, वो नमाज में है क्या वो नहीं बताया। और ये वेद और कुरान दोनों एक नहीं है, इसमें मैं बहुत पहले से काम कर रहा हूं। ये देखिए, ये जाकिर नाइक साहब का है, सिमिलरिटी बिटवीन हिंदुइज्म एंड इस्लाम, इसको मैं इसी में घेरा कि हिंदुइज्म और इस्लाम में सिमिलरिटी कहाँ है, बराबरी कहाँ है। और बकायदा ये मैं बहुत बार दिखा चुका हूं, बहुत बार आया है ये मेरे वीडियो में कई जगह में। देखिए बकायदा बाई पोस्ट आया है, ये सरकारी स्टैंप ऊपर देख रहे हैं, IRF नीचे देख रहे हैं, इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन, पंडित महेंद्र पाल आर्य समाज, आर्य नगर, पहाड़गंज, बाई पोस्ट आया है। तो मैं इसमें इसको घेरा, ये 2004 के 1 जनवरी में इनका एक सेमिनार था जिसमें ये मुझे निमंत्रण दिया था इन्होंने 2004 में। इसका मतलब मुझे 2004 के 1 जनवरी में निमंत्रण देने का कारण क्या था कि मैं 2003 से इसको घेर रखा था। तो मैं इसको बोला कि सिमिलरिटी कहाँ है, बराबरी कहाँ है, मैं इसको आज से नहीं बहुत पहले से घेरता आया हूँ। इसी तरीके से अब्दुल्ला तारिक को भी मैं घेरा हूँ, तो अब्दुल्ला तारिक भी इसी तरीके से जो श्री कृष्ण के युद्ध को ये इस्लाम के साथ जोड़ रहा है, जबकि श्री कृष्ण ने अपने मामा को मारा। देखिए काफिर का परिभाषा अभी अभी आपने सबने मिलकर के सुने हैं, मेरे मित्र ने काफिर का ये 2.5 घंटा से ऊपर है। कुरान और कुरान तो कलामुल्लाह है, अल्लाह का ही कलाम है। कुरान को हम तो झुठलाते हैं या हम नहीं मानते हैं वो अलग बात है, लेकिन कुरान के मानने वाले कभी कुरान को झुठला नहीं सकते। कुरान में सूरह बकर आयत नंबर 98 में अल्लाह ने जिक्र फरमाया है काफिर कौन है, मन काना अदुबल लिल्लाह व मलाइकातिहि व रुसुलिहि व जिब्रील व मीकाल फइन्नल्लाह अदुबुल काफिरीन। ये जो अल्लाह को नहीं मानता, उसके रसूल को नहीं मानता, जिब्राइल और मिकाइल नामी फरिश्ता को नहीं मानता, वो सब के सब काफिर है। यहाँ पर जो गैर मुस्लिम बैठे हैं भाई, मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूँ, आप लोग जिब्राइल और मिकाइल नामी फरिश्ता को मानते हैं क्या? इसी तरीके से आपने देखा कि केवल हिंदुओं को ही वर्ग लाया जा रहा है, हिंदुओं को ही गलत पाठ पढ़ाया जा रहा है। और इसी अब्दुल्ला तारिक का ही एक वीडियो है जिहाद के ऊपर, मैं अगला वीडियो उसी पर ही बनाऊंगा कि जिहाद कुरान से ही सारा हवाला दूंगा। और सूरह तौबा तो पूरा भरा पड़ा है, जिस पर मैं काम कर रहा हूँ, जिस पर मेरी लेखनी निरंतर चल रही है। और कल जो मैं एक लिखा उसमें अल्लाह ने बोला सूरह तौबा की आयत नंबर 118-19 में,
कि वहां जो मुशरिक है वो कुरान पर संदेह करते हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, अल्लाह ने खुद कहा। अल्लाह ने कहा कि जो काफिर हैं, जो मुशरिक है, बेदीन है, वो कुरान पर संदेह करते हैं। तो कुरान पर संदेह करते हैं, अगर संदेह की बात हो और संदेह न किया जाना अकलमंदी है क्या? अब संदेह नहीं करना चाहिए, इसका स्पष्टीकरण अल्लाह को देना चाहिए था, लेकिन क्या देखिएगा, संदेह कहां होता है उसको भी मैं दो प्रमाण दे करके विराम देता हूं। कुरान में संदेह कहां होगा? संदेह यहां होगा कि अल्लाह ने मरियम नामी एक कुमारी से संतान को जन्म दिया, दिलवाया। अच्छा, कुमारी के पेट से संतान का जन्म होना संभव है? एक कुमारी महिला संतान को जन्म दे, यह सच है क्या? तो ये सृष्टि नियम विरुद्ध, विज्ञान विरुद्ध, मानवता विरुद्ध भी। वो समाज में लोकालय में वो लड़की उस बच्चे को लेकर के निकल नहीं सकती, सामाजिक प्रतिबंध है उस पे। तो ये समाज विरुद्ध, विज्ञान विरुद्ध और मानवता विरुद्ध, सृष्टि नियम विरुद्ध। पर ये मुन्ना भाई जाकिर नाइक, इसके पास विरुद्ध नहीं है, ये इसको सच मानता है। एक कुंवारी के पेट से बच्चा होना, बच्चा पैदा होना संभव है, पर इसको मानता है कुरान। तो इस झूठ को छुपाने के लिए अल्लाह ने एक झूठ और मार दिया, क्योंकि ये लोकाचार की बात है कि एक झूठ को छुपाने में दूसरी और झूठ, दूसरी नहीं, ऐसे कई झूठ और अल्लाह ने बोल दिया है। क्या बोला? कि अल्लाह ने कहा कि वो सती है, वो तो जो शिशु अभी जन्म लिया है उसी से बुलवा दिया। अब देखिए, शिशु जन्म, नवजात शिशु, जन्मजात शिशु, अभी अभी जो जन्म लिया है वो नवजात शिशु का बोलना संभव है? एक झूठ तो वो बोला, दूसरा झूठ अल्लाह ने यहां बोल दिया है कि नवजात शिशु दे अल्लाह ने बोलवा दिया है। तो इस तरीके की बातें कुरान भरी पड़ी है, लेकिन वेद से दिखाओ जरा, कौन है माइकल लाल, आओ वेद में, वेद में ये बातें कहां है जरा दिखाओ ना। जो वेद और सिमिलरिटी जो बता रहे हो, वेद और कुरान एक है, मैं तो चुनौती दे रहा हूं, ये अब्दुल्ला तारिक हो, अब्दुल्ला तारिक के पूरा खानदान हो, आए कोई, जिसको आना हो आए। वेद में ये बातें नहीं है कि नवजात शिशु से बुलवा देना, ये क्यों और कैसा संभव होगा? और उस मरियम को अल्लाह आसमान से खाना भेज रहे हैं, ईसा को भी आसमान से खाना भेज रहे हैं, ये सारा मैं लिखा हूं, बोला हूं, सब कुछ करके दिया हूं आप लोगों को। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि ये तर्क के कसौटी पर कसने पर ये कुरान ईश्वरीय मिल रहा है क्या? वो वेद ईश्वरीय ज्ञान है, क्योंकि वेद सतह प्रमाण है, प्रतः प्रमाण है। और वेद ईश्वरीय ज्ञान क्यों है, इस पर मेरा बहुत सारा वीडियो लगा हुआ है। वेश अपरिवर्तनीय क्यों है, उस पर बहुत सारा वीडियो लगा हुआ है। वेद में चेंजिंग क्यों नहीं है, उसका सारा वीडियो लगा हुआ है। वेद में मिलावट की गुंजाइश नहीं है, उस पर भी वीडियो लगा हुआ है। इस तरीके से मैं सारा काम करके दिया हूं, लेकिन मैं दावा के साथ आज ये भी कह देना चाहता हूं कि इतने बड़े बड़े विद्वान आर्य समाज में हुए हैं, आर्य समाजी कहलाने वाले, इतने बड़े बड़े, अभी दो विद्वानों के सम्मानित में मैं भी सम्मानित हुआ, एक ठाकुर विक्रम सिंह जी के और एक अभी अहमदाबाद में रोजर में स्वामी विवेकानंद जी के अभिनंदन में, उसमें भी सम्मानित हुआ। लेकिन मैं वहां बोला हूं कि इस काम को किसी आर्य समाजी विद्वान ने किया हो तो बताओ, आओ कौन आर्य समाजी विद्वान है, मैं खुली चुनौती दे रहा हूं, इस काम को किया है किसी माइकल लाल ने, आर्य समाजी विद्वान कहलाने वाले, आओ जरा बताओ, हाँ इस काम को किसने किया है। तो वेद के प्रति अनर्गढ़ प्रलाप कर रहे हैं, वेद को झूठा प्रमाणित करने के लिए, वेद को मिथ्या प्रमाणित करने के लिए ये लोग इस्लाम वाले तुले हुए हैं। इस पर आर्य समाजी विद्वानों का कोई काम नहीं है। इतने बड़े बड़े विद्वान अपने को बने फिरते हैं, कोई साहित्य केसरी है तो कहीं कुछ केसरी है तो कहीं ये है तो कहीं वो है, दुनिया भर के ये जितने भी लफाजी, ये सारे विद्वान, जिन विद्वानों को ये सम्मानित कर रहे हैं, ये सारा काम इन लोगों का नहीं हुआ। और उसी जबकि आर्य समाजियों का सारा लगाव और जुड़ाव
जो रिलेशन है वो सत्यात प्रकाश है, उसी सत्यात प्रकाश पर प्रतिबल लगाने के लिए अग्निवेश ने ये सारा काम किया था। वो मैं सारा उजागर किया हूँ और उजागर करने के लिए अलग से कहीं कोई मुझे प्रमाण लाने की आवश्यकता नहीं हुई। ये है वैदिक सार्वदेशिक। इस वैदिक सार्वदेशिक से मैं सारा प्रमाण किया हूँ। देखिए सारा अंडरलाइन किया हुआ, दो पेज है इसका। ये है आपका 2006 का अगस्त में, 31 जुलाई से 6 अगस्त का ये अंक है 2008 का। इसमें मैं सारा प्रमाणित किया हूं, सारा उजागर किया हूं कि ये सत्यात प्रकाश केस इन्हीं का ही करा हुआ था। इसमें मेरा नाम से बकायदा निशाचर और क्या क्या लिखा है। केस को जब दिल्ली हाई कोर्ट लाया हमारे वकील ने अपनी बुद्धिमत्ता के साथ, तो इसमें लिखा है कि अपने लीडरी चमकाने के लिए केस को हाईजैक किया है। तो ये है, इसीलिए मैं निवेदन कर रहा हूं, कोई भी आर्य समाजी को मैं अपने सामने जुबान खोलने नहीं दूंगा, क्योंकि ये सारा काम आर्य समाजी विद्वान कहलाने वालों ने, किसी ने भी नहीं कही। ये जितने भी विद्वान अपने को हाके और बोले फड़फड़ावे, ये केवल फड़फड़ाने वाले विद्वानों में से है। जो काम मैं करके दिया हूं इन 37 वर्षों में, ये काम ये 14 जन्म में भी नहीं कर पाएंगे, 7 खानदान मिलकर के भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए इस्लाम वालों का तो काम किया है हमारे पूर्वज, विद्वान बहुत हुए हैं हमारे सारे पूर्वज, जो हमारे विद्वान हुए हैं उन सारे विद्वानों ने काम करके दिया है। हमें कहीं से अलग से लाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन वर्तमान समय में जो आर्य समाज विद्वान कहलाने वाले हैं, उन लोगों का उन किताबों का स्वाध्याय नहीं है, वो जानते ही नहीं है। तो इसी तरीके से मैं निवेदन कर रहा हूं, काफी समय हो गया है आप लोगों का, मैं समय लिया हूं और मैं चाहूंगा कि इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम दो। ये हिंदुओं को वरगलाने के लिए, हिंदू घराने के लड़कियों को दिग्भ्रमित करने के लिए, हिंदू लड़कियों को अपने जाल में फंसाने के लिए, हिंदू लड़कियों को मुसलमान घराने में ले जाने के लिए ये सारा षड्यंत्र है। क्या आप लोगों को मालूम नहीं है दिल्ली वासियों को, क्या अहमद बुखारी का छोटा लड़का हिंदू लड़की से शादी किया है? तो वो हिंदू बन करके शादी किया, हिंदू बना करके शादी किया, उसको मुसलमान बना करके शादी किया। क्यों मुसलमान क्यों बनाया गया, मुसलमान क्यों बनाया गया, मैं पूछना चाहता हूं। और ये हिंदू अकल के अंधे और गांठ के पूरे, ये हिंदू नालायक और मूर्ख लोगों को पता नहीं है कि तुम्हारे बेटी के कोख से जितने भी संतानें जन्म लेंगे वो तुम्हारा शत्रु बनेगा और राष्ट्र का शत्रु बनेगा। ये राष्ट्र के शत्रु यही लोग ही बना रहे हैं। इसलिए हिंदू सावधान हो जाओ, वेद के नजदीक आए बिना परित्राण और छुटकारा नहीं है। वेद मुकद्दस में परमात्मा का भी यही उपदेश है कि नाना पंथ विदते आयनाय, अनेक रास्ता सही नहीं है, सही और सच्चा रास्ता एक है। उसी सही और सच्चा रास्ता को अपनाते हुए मानव जीवन को सफल बनाया जाना संभव है। इसी तरीके से आप देखें, मेरा 16 डिबेट अब तक हो चुका है। इन अब्दुल्ला तारिक को मैं किस तरीके से निरुत्तर किया हूँ, डॉक्टर जाकिर नाइक का किस तरीके से भारत छोड़वाया हूँ, सुदर्शन न्यूज चैनल में आप देखेंगे जाकिर नाइक का पर्दाफाश। इसी तरीके से ये सारा काम मेरा चल रहा है निरंतर, और पूरा समीक्षा के साथ ही ये समय लिख करके भी संग्रह कर रहा हूं, दे रहा हूं। तो सच्चाई को जानने के लिए सच्चाई के नजदीक आना पड़ेगा। सच्चाई के नजदीक आए बिना आप नहीं जान पाएंगे कि सत्य कहाँ है, वेद में सत्य है या सत्य और कहीं है। खैर, तो मैं बहुत समय आप लोगों का लिया हूं कि कुरान भरा पड़ा है जिहाद के लिए। मैं अगला वीडियो उसी जिहाद पर बनाऊंगा कि कुरान में जिहाद कहाँ कहाँ है। तो अब्दुल्ला तारिक कह रहा है कि कुरान में जिहाद है, जैसे इसने भी कहा अभी लंदन टॉप जो इसको पैसा दे करके बुलाया होगा, ये भी मुबारक है। तो ये इस्लाम वालों का ये षड्यंत्र है पूरा, हिंदुत्व को तबाह करने के लिए, हिंदुओं को बर्बाद करने के लिए, वैदिक संस्कृति पर कुटाराघात करने के लिए, हिंदू घराने के लड़कियों को ले जाने के लिए। तो इसीलिए सावधान हो जाइए। मैं आप लोगों को केवल चेतावनी दे रहा हूं, मैं आप लोगों को केवल सावधानी बरतने के लिए। आदित्य जी नमस्ते, हाँ दिखाई पड़े आप। हरिलाल जी नमस्ते, जी जी नमस्ते, नमस्ते आदित्य बाबू। ये चंदन कुमार जी, नवीन जी,
ইন্দ্রজ্যোতি চক্রবর্তী কোথায়, কোথার থেকে, বাংলাদেশ নাকি? ইন্দ্রজ্যোতি চক্রবর্তী, আর ये जितने भी आप लोग सब जुड़े हैं जल्दी जल्दी में, दिवाकर शास्त्री कहां से, शास्त्री जी? हाँ, मुझे मुसलमान भी कबर ताजिया पूछता है, ये विजेंद्र जी लिख रहे हैं। तो कबर पूजे, वो बात तो मैं बोला ना कि ये अरब में जब हज करने के लिए जाते हैं तो वहां पर रोजा को चक्कर लगाना पड़ता है, संग अश्वत को बोसा देना पड़ता है। ये अंधविश्वास नहीं तो और क्या, ये मूर्ति पूजा नहीं तो और क्या है? वहां पर एक पिलर लगा हुआ है, उसको कंकड़ मारना, शैतान समझ करके, शैतान नहीं है उसको शैतान समझना, ये अंधविश्वास नहीं तो और क्या है? ये मूर्ति पूजा नहीं तो और क्या है? यही तो मूर्ति पूजा है, इसीलिए मैं बोला व्यक्ति पूजा, वो उन लोगों ने किया उसका अनुकरण करना, ये व्यक्ति पूजा ही है। इब्राहिम ने किया, इस्माइल ने किया, मोहम्मद ने किया, उसको अनुकरण करना, जिस रास्ते से गए दूसरे रास्ते से वापस आए तो जो उनको अनुकरण करना, वो हज में यही सारा काम होता है। इसलिए इस्लाम अंधविश्वास के सिवा और कुछ भी नहीं है, इस्लाम अंधविश्वास का भरमार है। मैं जितना बोलूंगा उतना ही कम और थोड़ा होगा। ये बहुत सारे भाई धनराम जी को नमस्ते, देखिए बहुत सारे लोग जुड़े हैं जल्दी जल्दी में और आप लोगों ने समय निकाला। बलराम जी को मैं नहीं देख रहा हूं, कहां चले गए? वकील साहब को समय नहीं मिला होगा। नमस्कार दादा के सुमित, अच्छा यूएसए थे क्या? देखिए क्या कमाल है। ये बंगाली भाई हैं, वो पता नहीं इंडियन है या बांग्लादेशी हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि यूएसए थे के बोलची। ये यूएसए से भी लोग जुड़े हैं। तो इस तरीके से परमात्मा की असीम अनुकंपा है कि आज संपूर्ण विश्व के आंगन में भले ही महेंद्र पाल के सब्सक्राइबर कम हो, भाई सब्सक्राइबर कम ना हो कैसा होगा कि घंटे घंटे से नीचे कोई वीडियो ही नहीं है, 5-10 मिनट का मैं बोलता नहीं हूँ, विषय पूरा नहीं होगा। इसीलिए मेरे विचारों को सुनने के लिए समय निकाल करके बैठना पड़ेगा और लोगों के पास इतना समय होता नहीं है, इसलिए मेरे सब्सक्राइबर कम है, तो उससे मैं दुखी नहीं हूं। अरे नहीं भी होता तब भी क्या बात थी, तो पहले तो मैं काम किया उसमें, हम तो जानते भी नहीं कि सब्सक्राइबर क्या होता है और शेयर क्या होता है, लाइक क्या होता है, मैं वीडियो बना देता है इसको मैं जानता नहीं। तो ये तो हमारे बाबू हिमांशु जी की मेहरबानी है जिन्होंने मुझे आप लोगों के साथ इस तरीके से जोड़ा है। अश्वनी शर्मा जी, तो खैर इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को यहीं पर विराम दे रहा हूं, पूरा 1 घंटा हो गया है। आप सब लोगों का अभिवादन मैं स्वीकार करता हूं और आप सब लोगों को मैं अभिवादन करता हूं, नमस्ते करता हूं। आप लोगों से विनती है इस तरीके से संपर्क बनाए रखिए, संपर्क जोड़े रहें, तो हमारा और आपका मानव मात्र का कल्याण जिससे हो। यथे मम वाचम कल्याणी मा वदानि जनेभ्यः, जो वेद कल्याणी वाणी है मानव मात्र के कल्याण के लिए है, लेकिन कुरान मानव मात्र का कल्याण नहीं करता। कुरान या अय्युहल्लज़ीन आमनु, है ईमान लाने वालों, ये सब झूठ बोल रहे हैं। इसलिए मैं बोला ना, अब्दुल्ला तारिक तो उसी डिबेट में बोला था कि इस तरीके का वातावरण हो तो हर सप्ताह आपके लिए आके पास आने के लिए तैयार हूं, लेकिन कई बार बुलाया गया शकल तक दिखाने के लिए। तो मैं सिर्फ ये बोला हूं कि ये लोगों के करनी और कथनी दोनों में अंतर है, इस पर भी मैं वीडियो बना के दिया हूं। ये सब के सब लोग दकियानूसी हैं, मकर करने वाले हैं और मकर खुदा भी करता है। खुद व मकरू व मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन, खुदा खुद मकर करता है और ये लोग उसी खुदा से ही मकारी सीखा है, इसीलिए ये सब मकारी करते हुए भारत को अस्थिर बनाने का प्रयास इन्हीं लोगों के द्वारा हो रहा है। कुरान और वेद न एक था न एक है, क्योंकि वेद जब पहले ज्ञान परमात्मा ने दे दिया तो उसके ज्ञान में कमी हो तब तो दूसरा देगा। अगर ये मानते हैं वेद ईश्वरीय ज्ञान है, तो वेद मानते हैं ईश्वरीय ज्ञान है, फिर कुरान को क्यों ढो रहे हैं जबकि दोनों में समानता नहीं है? वहां एक स्त्री और एक पुरुष से दुनिया बनी है, भाई बहनों में शादी हुई, और भाई बहनों में शादी होना अधर्म है। ये तो आदम के काल में थी, अब ये इस काल में मोहम्मद के काल में क्या हो? चचेरी बहन, ममेरी बहन, जितना भी बहन है किसी को नहीं छोड़ा,
सब शादी के योग है। तो अल्लाह को पहले जब अल्लाह के ज्ञान कहें भाई, अल्लाह के ज्ञान में कमी कैसा है देखिएगा, जो मैं बोला भी ईसा और मरियम की घटना में बताया, और फिर अल्लाह को बदलना पड़ेगा अपनी बात, अपना बयान बदलना पड़ेगा। या अल्लाह को होश नहीं था कि पहले भाई बहनों में शादी हुई, अब आकर के भाई बहनों में शादी हुई, चचेरी बहन, ममेरी बहन, फोपेरी बहन, मौसेरी बहन, ये सब करना पड़ेगा, ये अल्लाह को पहले ज्ञान नहीं था क्या? तो कुरान ईश्वरीय ज्ञान कैसे कैसे हो जाएगा, जिस कुरान को ईश्वरीय ज्ञान मान रहे हो और वेद के साथ उसका तुलना कर रहे हो, सिमिलरिटी बता रहे हो, ये सब कोरा झूठ है, बकवास है। इसीलिए हिंदुओं को सावधानी बरतना चाहिए, हिंदुओं को समझना चाहिए, हिंदुओं को जानकारी लेनी चाहिए, हिंदुओं को जानकारी होना चाहिए, और हिंदुओं को जानकारी बढ़ाने के लिए, हिंदुओं की जानकारी बढ़ाने के लिए मेरा ये सारा प्रोग्राम है कि सत्य सनातन वैदिक धर्म क्या है, उसको हिंदू जाने, उस पर अमल करें, उसके नजदीक आए तो अपना कल्याण और अपने समाज का कल्याण, देश का कल्याण होना संभव है। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आप सब लोगों को धन्यवाद देते हुए, नमस्ते करते हुए वाणी को विराम दे रहा हूं। धन्यवाद सबको।